एक्चुअली बच्चों आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन रूल से कैसे हम क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट टाइम में सॉल्व करते हैं। ठीक है, ऐसे हम सॉल्व करें, अगर यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 188 मल्टीप्लाइड बाई 25, या उसके नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4 to 4 मल्टीप्लाइड बाई 25, या यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 5 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 to 5। तो अगर इसको हम ऐसे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगता है। इसको शॉर्ट में सॉल्व करने के लिए कम समय में हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो आज के समय में रिक्वायरमेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, तो उसको हम आपको बता रहे हैं कैसे सॉल्व किया जाता है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे हम 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को हम ये लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 4। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 इजकल टू 100 अपॉन 4। इसका मतलब एक रिजल्ट ये क्लियर हो जाता है बेटा कि जहाँ भी 25 से मल्टीप्लाई किया जाए हम वहाँ पे ये भी कर सकते हैं 100 अपॉन 4 कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। अब आइए देखते हैं सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 1 को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर वन ये है 88 मल्टीप्लाइड बाई, हाँ ये 88 मल्टीप्लाइड बाई 25। अब बेटा अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करें ट्रेडिशनल तरीके से तो बहुत टाइम लगता है। हम यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 88 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 4। अब ये देखिए रिजल्ट आ गया 4 2 2, ये आपका रिजल्ट आ गया 2200। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम लंबे कैलकुलेशन से बचते हैं इसको इजी करके। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है बेटा, यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये लिख सकते हैं 4 2 4 मल्टीप्लाइड बाई 25 की जगह पे हमने क्या बताया आपको लिखने के लिए 100 अपॉन 4। क्यों, क्योंकि ये 4 से कट रहा है तो ये इजी हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 100 अपॉन 4। अब ये बेटा क्या हो जाएगा 4106, ये रिजल्ट आ गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 10600, ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस तरह से किसी भी नंबर में अगर हमें 25 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए बेटा हमें क्या करना होता है, 100 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 पे, जहाँ पे 125 दिया हुआ है। बेटा देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जहाँ पे 125 दिया हुआ है तो 125 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 125। अच्छा, इसमें अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर दें और 8 से डिवाइड कर दें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000 अपॉन 8। ठीक, इसका मतलब कहीं पे भी अगर 125 से मल्टीप्लाई करना है तो उसकी जगह पे हम 1000 अपॉन 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाता है बेटा। जैसे अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 ये दिया हुआ है कि 7296 मल्टीप्लाइड बाई 125। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कर सकते हैं 7296। अब वैसे तो 125 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा नहीं, ये सॉल्व करने में टाइम लगेगा बेटा, पर इसको शॉर्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 125 की जगह पे क्या कर देते हैं 1000 अपॉन 8। अब ये देखिए ये 8 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 8 9 72, 8 का 8 1 9, 8 2 16, ये 912 आ गया,
इसका मतलब ये रिजल्ट आ गया 912000। ठीक है बेटा, तो ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करने से हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ऐसे देखिए हमारा कम समय में सॉल्व हो गया। इसी तरह से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बेटा देखो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे ये दिया हुआ है 472, ये तो हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है, 488 मल्टीप्लाइड बाई 125। अब बेटा हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 125 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1000/8। तो यहाँ पे हो जाएगा 148 मल्टीप्लाइड बाई 1000/8, ये क्या हो जाएगा, 8 6 48 8 61। ओवरऑल रिजल्ट आ गया 61000। ठीक है बेटा, तो इस तरह से हम कैलकुलेशन को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं जिसमें हमें 625 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहां पे अगर ये कोई नंबर आता है 625, तो हम इसमें क्या करें, अगर हम 16 से मल्टीप्लाई कर दें, 16 छक्का 96 और 16 से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 96, 10000 इकाई दही से 1000 10000, ये हो जाएगा 10000/16। ठीक है बेटा, तो कहीं भी 625 से मल्टीप्लाई करना हो और उस कैलकुलेशन को इजी करना हो तो हमें क्या करना होता है, 10000/16 से हम मल्टीप्लाई कर दें। जैसे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 176 मल्टीप्लाइड बाई 625। अब बेटा इसको ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा हमें, सबसे पहले 6 से 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से फिर 6 से, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा और कम्पिटेटिव एग्जाम में आपके पास इतने समय होते नहीं है, तो कम से कम समय में सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा 176 मल्टीप्लाइड बाई 625 की जगह पे क्या लिख देंगे, 10000/16, तो ये हो जाएगा 10000/16, ये हो गया 16, ये हो गया, ये आपका आंसर आ गया 11 12 3 4 0। ठीक है बेटा, तो कम समय में ये सॉल्व हो गया आपका। ठीक इसी तरह से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स में इन्होंने क्या बोला है, 2352 मल्टीप्लाइड बाई 625। अब बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे 625 की जगह पे क्या लिख देना है, 2352 मल्टीप्लाइड बाई 10000/16, वो लिखा हुआ है, तो 16 से अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 का 16 7, 16 चौका 64, 16 7 112, 147 आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा 147 1 2 3 4। ठीक है बेटा, तो ऐसे ट्रिक्स हैं जो समय को बचाते हैं। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं। ठीक है बेटा, दूसरे टाइप पे यहाँ पे हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 7 8 9 10 11 12, ये अलग फॉर्मेट में है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, किसी भी नंबर, हमने मान लिया कोई नंबर x है, x नंबर है और x नंबर में हमें 99 से मल्टीप्लाई करना है, तो बेटा यहाँ पे टाइम टेकन होगा, 99 से हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं अगर ये नंबर बड़ा हो, 3 या 4 डिजिट में हो। तो इसका सिंपल वे होता है, हम इसको लिख सकते हैं x, ये 100 में से कितना कम है, 1, तो 99 की जगह हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। ठीक बेटा, अगर हमें इसी नंबर में 999 से मल्टीप्लाई करना हो तो जैसी बात है 999 से
अगर ये 3-4 डिजिट का नंबर है मल्टीप्लाई करना है तो ये बेटा बहुत टाइम टेकन होगा। इसको हम कम समय में सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाइड बाई 999। कितना कम है 1000 में, 1 कम है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 1। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे अगर आ जाए कोई भी नंबर है x, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना हो 9999। अब ये तो और टाइम टेकन हो जाएगा अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं x, ये 10000 में कितना कम है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 9999 10000 में कितना कम है, 1 कम है, इसलिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10000 माइनस 1। अब बेटा देखिए हमारे क्वेश्चन सब इजी हो जाएंगे। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। बेटा देखो क्वेश्चन नंबर सेवन में इन्होंने बोला है 46 मल्टीप्लाइड बाई 99। बहुत इजी है, इसको अब 99 से हम 46 में मल्टीप्लाई करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से तो बहुत टाइम लगेगा। इसको हम ये लिख सकते हैं बेटा, वहाँ पे लिखा हुआ है देखिए 99 की जगह 100 माइनस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं 100 माइनस 1। अब ये रिजल्ट आ गया, ये क्या हो जाएगा, 4600 से मल्टीप्लाई होगा, 4600 माइनस 46। ठीक है बेटा, अब ये क्या हो जाएगा, 10 में से 6 माइनस करेंगे 4 हो गया, यहाँ पे 9 माइनस 4 करेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, ये आ गया आंसर। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर एट अगर हमें सॉल्व करना हो बेटा, क्वेश्चन नंबर एट, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है क्वेश्चन नंबर एट में, क्या है 2843 मल्टीप्लाइड बाई 99। अब बेटा देखो इसमें 99 बहुत टाइम लग जाएगा, कम समय में सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है 2843 मल्टीप्लाइड बाई 100 माइनस 1। ये देखिए इजी हो गया, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अगले स्टेप पे 2843 00 माइनस 2843। अब ये रिजल्ट क्या आ गया बेटा, 10 में से 3 माइनस करेंगे आ गया 7, 9 में से 4 माइनस करेंगे आ गया 5, अब यहाँ पे ये हो गया 3, यहाँ पे 2 बचेगा ये आ जाएगा 12, में से 8 माइनस करेंगे 4, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, और ये हो गया आपका 28, आ गया आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम कुछ टेक्निक लगाते हैं तो क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम दिखाते हैं आपको कि जब हम 999 से मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होता है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं 9 पे, तो बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में इन्होंने ये बोला है 349 मल्टीप्लाइड बाई कितना दिया हुआ है 999। यहाँ पे डिफरेंट आ गया, 999 से हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे टाइम टेकन होगा, इसको कम समय में सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं बेटा 349 नंबर वही रहेगा, 999 कितना कम होता है 1000 में 1, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर 349000 माइनस 349। अब ये इजी हो गया, 10 में से 9 माइनस 1 955 और यहाँ पे 936834, ये आ गया हमारा आंसर बेटा। ठीक है, उस तरह से क्वेश्चन नंबर हम 10 सॉल्व करते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करें, तो क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में, 1287 मल्टीप्लाइड बाई 999, फिर वही आ गया, क्या करेंगे यहाँ पे हम कर देंगे 1287 मल्टीप्लाइड बाई 1000 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा बेटा 1287000 माइनस 1287, और ये क्या हो जाएगा 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, और यहाँ पे 6 में से 1 माइनस होगा 5812, आ गया आंसर बेटा ये। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को इजी करते हैं और
कम टाइम में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, जहाँ पे हमें ये चार बार 99 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है बेटा। अब हम इस ट्रिक पर आते हैं, जो किसी भी नंबर में इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ये 1000 में कितना कम होता है, 1। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे देखिए आ गया क्वेश्चन नंबर 11। ये बेटा इन्होंने बोला है 863 मल्टीप्लाइड बाई 9999, ये 1000 में कितना कम है, 1। तो इसको हम लिख सकते हैं 863 मल्टीप्लाइड बाई 10000 माइनस 1। अब ये सिंपल हो जाएगा बेटा, अब ये हो जाएगा 8631 2340 माइनस 863। अब ये ईजी हो गया, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 12 बेटा, इसमें इन्होंने क्या बोला है, 78 मल्टीप्लाइड बाई 9999, ये क्या हो जाएगा, 78 मल्टीप्लाइड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10000 माइनस 1, क्या हो जाएगा ये 784 माइनस 78। अब बेटा ये इजी हो गया, इसमें से माइनस कर देंगे 78 को, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 आएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 7, और यहाँ पे क्या आ गया 7, ये आ गया आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम, ये कुछ स्टैटिक्स मेथड होते हैं जो कैलकुलेशन को ईजी करते हैं, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर पे आपको बताएंगे कि डिवीजन रूल क्या होता है। ओके, थैंक्स।